हेलो गाइज, वेलकम टू टेक बस। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ वीवो Y33S का। ये फोन मैं एक वीक से यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स और गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। और वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि ये फोन लेना वर्थ है या नहीं, या फिर इस प्राइस में कौन से दूसरे बेटर फोन अवेलेबल है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीवो Y33S इंडिया में एक ही वेरिएंट में अवेलेबल है, 8GB 128GB, जिसकी प्राइस है 17,990। तो ये फ़ोन मैं एक वीक से यूज़ कर रहा हूँ और इस वीडियो में पहले देखेंगे इसके फीचर्स और बाद में बात करेंगे इसमें क्या कमियाँ है। वीवो Y33S रन कर रहा है एंड्रॉयड 11 पर विद लेटेस्ट FantaChoice 11.1। और क्योंकि ये लेटेस्ट FantaChoice 11 पर रन कर रहा है, इसलिए UI काफ़ी स्मूथ है और इसमें आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलते हैं। बट बाकी नए वीवो फोन्स की तरह इसमें भी काफ़ी ब्लोटर ऐप्स प्रीलोडेड मिलते हैं, जैसे मौज, MX टकाटक, हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, डेली हंट और शेयर चैट। वैसे तो आप इन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, बट पता नहीं ये ऐप्स देने की ज़रूरत ही क्या है, बिना वजह स्टोरेज खाते हैं ये सारे ऐप्स। और मैंने वीवो को इसके बारे में काफ़ी बार कंप्लेन भी किया है। यूजबिलिटी की बात करेंगे तो फ़ोन के UI में बिल्कुल भी लैग नहीं है, और आजकल FantaChoice 11 वन ऑफ द बेस्ट UI लगता है स्मूथनेस के मामले में। ऐप्स भी काफ़ी फास्ट खुल जाते हैं, ऐप को टच करने और ओपन होने के बीच ज़्यादा डिले नहीं है, तो डेली यूजेज में आपको इस फ़ोन से कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है और मुझे आराम से इस पर एक दिन का बैटरी बैकअप मिल रहा है विद नॉर्मल यूजेज। ये फ़ोन 18W फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। आजकल काफ़ी वीवो फोन्स में सेम ही डिज़ाइन मिलती है जो इसमें भी दी गई है। फ्रंट में आपको 6.5 inch का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 83.4%, इसलिए थोड़े बेजल्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली नीचे चेन एरिया में। साइड में है फ्लैट प्लास्टिक फ्रेम जिस पर ब्रश्ड मेटेलिक फिनिश दिया है। बैक में दिया है पॉलीकार्बोनेट पैनल जिस पर AG ग्लास फिनिश दिया गया है। इसका कैमरा का डिज़ाइन वीवो V21 जैसा ही है, जो काफ़ी अच्छा लगता है, और AG फिनिश की वजह से इस पर फिंगरप्रिंट्स नहीं आते और ये काफ़ी अच्छा लुक देता है फ़ोन को। फ़ोन दो कलर्स में अवेलेबल है, ये मिडडे ड्रीम और दूसरा मिरर ब्लैक। फ़ोन में नीचे दिया है माइक, Type-C USB पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक और स्पीकर ग्रिल। राइट साइड में है वॉल्यूम बटन और लॉक बटन, जो फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी काम करता है। ऊपर है सिम कार्ड स्लॉट, इसमें ड्यूल सिम का सपोर्ट मिलता है और डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है विद सपोर्ट अप टू 256GB। बैक में मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप विद LED फ्लैश। फ्रंट में है सेल्फी कैमरा ऑन दी वाटर ड्रॉप नॉच एंड ईयरपीस। फ़ोन को एक हाथ से यूज़ करने में कोई परेशानी नहीं होगी, ग्रिप भी काफ़ी अच्छा मिलता है। ये फ़ोन की थिकनेस है सिर्फ 8mm और फ़ोन काफ़ी हल्का भी है एट 182 grams, तो हाथ में ये काफ़ी कंफर्टेबल लगता है यूज़ करने में। सोशल मीडिया ऐप्स जैसे स्नैपचैट और इंस्टाग्राम आराम से चल जाते हैं इसमें। फिल्टर्स वगैरह फास्ट लोड हो जाते हैं, आपको कोई लैग या इश्यूज़ नहीं आएंगे। और क्योंकि इसमें 16MP का कैमरा मिलता है तो स्नैपचैट पर इसका आउटपुट भी डिसेंट है। इसी तरह इंस्टाग्राम भी काफ़ी स्मूथ है इस पर, स्क्रोलिंग एंड स्वाइपिंग बटरी स्मूथ लगता है। बट एक ड्रॉबैक है कि इस प्राइस रेंज पर भी हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले नहीं दिया है। वीवो Y33S में दिया है MediaTek Helio G80 चिपसेट विद एन ऑक्टोकोर प्रोसेसर एंड माली G52 MC2 GPU। वीवो Y33S एक ही स्टोरेज ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, 128GB विद 8GB ऑफ रैम। इसमें एक्सटेंडेड रैम वाला फीचर दिया है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर यह ऑनबोर्ड स्टोरेज से एक्स्ट्रा 4GB को एज आ रैम यूज़ कर सकता है, तो टोटल आपको 12GB रैम मिल सकता है ज़रूरत पड़ने पर। MediaTek Helio G80 एक डिसेंट लेवल का गेमिंग प्रोसेसर है और मोस्टली 10-11 हज़ार के फ़ोन्स में दिया जाता है, बट प्रोसेसर बुरा नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें आप हाई एंड गेम्स खेल सकते हैं मीडियम सेटिंग्स पर, ज़्यादा कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं आएगा। और पबजी में स्मूथ ग्राफिक्स पर अल्ट्रा FPS और HD ग्राफिक्स पर हाई FPS तक का सपोर्ट मिलता है, जो कि अच्छी बात है। बट इसी प्राइस में Redmi Note 10 Pro अवेलेबल है, जो इससे थोड़ा बेटर है क्योंकि उसमें Snapdragon 732G दिया है, जो गेमिंग के लिए Helio G80 से थोड़ा बेटर है। और साथ ही उसमें 120Hz रिफ्रेश रेट AMOLED डिस्प्ले के साथ 240Hz टच सैम्पलिंग रेट भी मिलता है, जिसकी वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस और बेटर हो जाता है। स्मूथ ग्राफिक्स विद अल्ट्रा FPS के साथ इसमें आपको गेमिंग का डिसेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ग्राफिक्स अच्छे हैं, कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं है, और दूर के ऑब्जेक्ट्स का ज़्यादा लोडिंग इशू भी नहीं आता इस फ़ोन में। फ़ोन मार्जिनली हीट होता है 20-25 मिनट गेम खेलने के बाद, बट वो भी ठीक ठाक है। तो आप गेमिंग के लिए खरीदना चाहते हैं तो इससे डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बट मेरी माने आप Redmi Note 10 Pro खरीदें अगर आप गेमर है तो। कैमरा की बात करेंगे तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, और 50MP F1.8 aperture कैमरा विद फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस। दूसरा है 2MP F2.4 aperture मैक्रो कैमरा, और लास्ट है 2MP F2.4 aperture डेप्थ सेंसर।
स्टॉक कैमरा में आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि मैक्रो मोड, पोर्ट्रेट विद इफेक्ट्स, नाइट मोड, आई ऑटो फोकस, प्रो मोड, HDR, लाइव फिल्टर्स, ब्यूटी मोड और पैनोरामा। आप 1080p वीडियो शूट कर सकते हैं 30fps पर और 120fps स्लो मोशन का भी ऑप्शन मिलता है। फ्रंट में है 16MP f2.0 एपर्चर सेल्फी कैमरा विच कैन शूट 1080p एट 30fps। सेल्फी कैमरा में आपको आई ट्रैकिंग ऑटो फोकस का फीचर मिलता है अलॉन्ग विद पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, लाइव फिल्टर्स और ब्यूटी मोड। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। डे टाइम पिक्चर्स अच्छे आते हैं, फोटो शार्प है और कलर भी सैचुरेटेड है। पोर्ट्रेट फोटोज भी अच्छे आते हैं, एज डिटेक्शन का कोई इशू नहीं है, बस स्किन टोन्स अच्छे से मेंटेन नहीं करता ये। HDR शॉट्स में ये थोड़ा स्ट्रगल करता है अगर ऑपोजिट साइड से सनलाइट हो तो। इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में फोटोज अच्छी आती है, इसका AI मोड फोटो को ऑटोमेटिकली एनहांस करता है। लो लाइट परफॉर्मेंस मुझे इसकी डिसेंट लगी, लाइट्स ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं होती और डिटेल्स अच्छे से मेंटेन करता है ये प्राइस के हिसाब से। सेल्फीज इंप्रेसिव है, फोटो शार्प है, बट ये अभी भी थोड़ा स्किन स्मूथनिंग अप्लाई करता है ब्यूटी मोड ऑफ करने के बाद भी। यह है इसके कैमरे से वीडियो सैंपल 1080p एट 30fps पर। कलर्स नेचुरल है, HDR भी ठीक ठाक काम कर रहा है और क्योंकि इसमें EIS दिया गया है इसलिए वीडियो भी काफ़ी हद तक स्टेबल है। बाकी इस वीडियो से आप इसके माइक के क्वालिटी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। सेफ्टी की बात करेंगे तो इसमें आपको लॉक बटन पर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो फास्ट एंड सिक्योर है। आपको फेस अनलॉक भी मिलता है जो फास्ट है बट सिक्योरिटी वाइज कुछ खास नहीं है। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें आपको 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है विद 1080x2408 रेजोल्यूशन एंड 401 PPI डेंसिटी। कलर्स काफ़ी हद तक सैचुरेटेड है, इसका डिस्प्ले डिसेंटली ब्राइट और शार्प है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी अच्छा मिलता है और व्यूइंग एंगल्स भी डिसेंट है। डिस्प्ले टिल्ट करने पर कलर्स ज़्यादा वॉश्ड आउट नहीं लगते। डिस्प्ले इसका ठीक ठाक ही ब्राइट है इसलिए रेनी सीजन में ओके है, बट फुल सनलाइट में थोड़ा इश्यूज आ सकता है। चलिए अब स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं। इसमें सिर्फ एक ही स्पीकर दिया गया है नीचे की तरफ। साउंड क्लियर है, डिस्टॉर्शन नहीं है बट ज्यादा लाउड भी नहीं है, तो स्पीकर की क्वालिटी इसकी डिसेंट है। तो ये था हमारा फुल एंड फाइनल रिव्यू ऑफ Vivo Y33S। ये एक डिसेंट फ़ोन है डेली यूजेज और कैमरा के लिए और गेमिंग के मामले में भी आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बट फिर भी Redmi Note 10 Pro इससे थोड़ा बेटर है गेमिंग, कैमरा और डिस्प्ले के लिए। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, और अगर आपको हमारा ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे ही टेक एंड गैजेट वीडियोज़ के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।